बोले श्री विष्णु भगवान की जय, बोले श्री कार्तिक महात्म की जय। आज मैं आपको 15वां अध्याय सुना रही हूँ, बोले श्री कार्तिक मास की जय। 15वां अध्याय। राजा पृथु ने नारद जी से पूछा, हे नारद जी, तब दैत्य राज ने क्या किया, यह सब मुझे विस्तार से सुनाइए। नारद जी ने बताया कि उनके चले जाने पर जलंधर ने अपनी राहु नामक दूत को बुलाकर कैलाश पर जाने की आज्ञा दी और कहा कि जहां वहां पर एक जटाधारी शंभु नामक योगी रहता है, उससे मेरा ऐश्वर्य कहकर उसकी सर्वात सुंदरी भामिनी को मेरे लिए मांग लाओ। यह सुनकर वह दूत शिवजी के स्थान पर पहुंचा, परंतु नंदी ने उसे सभा के भीतर नहीं जाने दिया, किंतु वह अपनी उग्रता से शिव की सभा में चला गया। शंकर के आगे बैठकर उनकी आज्ञा से सब संदेश कह सुनाया। फिर तो राहु नामक दूत के ऐसा कहते ही भगवान शूल पानी के आगे पृथ्वी फोड़कर एक शब्द वाला पुरुष प्रकट हो गया, जिसके सिंह के समान मुख था, जो कि मानो दूसरा नरसिंह था। वह दौड़कर राहु को खाने चला तो राहु बड़े जोर से भागा, परंतु उस पुरुष ने राहु को पकड़ लिया। फिर उसे शिवजी की शरण में ले अपनी रक्षा मांगी। शिवजी ने उस पुरुष से राहु को छोड़ देने को कहा। उसने कहा, प्रभु, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है, मैं क्या खाऊं? तब महेश्वरी ने कहा, यदि तुझे भूख लगी है तो शीघ्र ही अपने हाथ पैरों का भक्षण कर ले। शिव जी की आज्ञा से वह पुरुष अपने हाथ और पैर का मांस भक्षण कर गया। अब केवल उसका सिर मात्र शेष रह गया। तब उसका ऐसे कृत्य देखकर शिव जी ने प्रसन्न होकर उसे अपना आज्ञाकारी मानकर अपना परम प्रिय गण बना लिया और कहा कि मेरी पूजा की तरह अब तेरी भी सदैव पूजा होती रहेगी, और जो तेरी पूजा नहीं करेंगे वह मेरे प्रिय नहीं होंगे। शिवजी के ऐसा वर पाकर उस पुरुष को बड़ी प्रसन्नता हुई। उस दिन से वह शिवजी के द्वारा सर्वीकृत मुख नामक गण होकर स्थिर रहने लगा। बोले श्री विष्णु भगवान की जय। यह 15वां अध्याय समाप्त हुआ।